गुलबर्गा शहर में केकेआरडीबी चेयरमैन अजय सिंह के घर के सामने लगातार आंगनवाड़ी टीचर्स का एहतजाज चल रहा है और इस दौरान एक महिला की नौकरी जाने के डर से तबीयत खराब हुई, जिनको बसवेश्वर हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट किया गया था। पर इसके बावजूद आंगनवाड़ी टीचर्स के इस इशू को नज़रअंदाज किया जा रहा है। कर्नाटका गवर्नमेंट की जानिब से गवर्नमेंट स्कूल में LKG और UKG क्लासेस स्टार्ट करने का फैसला लिया गया है और सबसे पहले कल्याण कर्नाटका के कुल 1008 स्कूल्स में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और आंगनवाड़ी टीचर्स लगातार एहतजाज कर ये दावा कर रही हैं कि अगर LKG UKG क्लासेस गवर्नमेंट स्कूल में स्टार्ट की जाएंगी तो आंगनवाड़ी सेंटर्स को बंद किया जाएगा, जिससे ये तमाम महिलाएं बेरोजगार हो सकती हैं। लगातार कई दिनों से आंगनवाड़ी टीचर्स कल्याण कर्नाटका के तमाम MLAs, मिनिस्टर्स और चेयरमैन के ऑफिस और घर के सामने एहतजाज कर इंसाफ की मांग करते नजर आ रही हैं। KKRDB चेयरमैन अजय सिंह के घर पर एहतजाज कर गुलबर्गा हेडलाइंस के जरिए आंगनवाड़ी टीचर्स और सोशल एक्टिविस्ट के नीला ने बताया, कर्नाटका गवर्नमेंट जानबूझकर आंगनवाड़ी सेंटर्स को बंद करने का प्लान कर रही है। आंगनवाड़ी टीचर्स को LKG UKG क्लासेस स्टार्ट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इनका यह कहना है कि LKG UKG क्लासेस के लिए आंगनवाड़ी महिलाओं को ट्रेनिंग देकर इन्हीं के जरिए बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। इस दौरान गुलबर्गा हेडलाइंस के जरिए इन तमाम महिलाओं ने क्या कहा, जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। This video presented by Peace Islamic International School Branch, Hagraga Road and Misbah Nagar, Gulbarga. Students getting education for both the worlds. Best academic English education. Diploma in Arabic. 2024 admission started. Contact and visit school for more details. आपकी समस्या यहाँ पर हजारों की तादाद में आंगनवाड़ी टीचर्स यहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मसला है आप लोग का? और लगातार अजय सिंह के घर के सामने भी दो तीन दिन से धरना बैठा हुआ है, क्या मांग लेकर आप यहाँ पर बैठे हुए? नहीं देखिए, इसमें दो मेन इशू है। एक तो इशू है आंगनवाड़ी महिलाओं को कि बाहर हकाल कर ECC ये जो LKG UKG चलाना चाह रहे हैं गवर्नमेंट, कि एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों ने एक सर्कुलर निकाले और SDMC के इनको आह्वान दिया, ये दिया अधिकार दिया है कि टीचर्स को अपॉइंटमेंट कर लेना, जो गेस्ट टीचर उनको 10,000 रेमोनरेशन देते हैं, वो आकर हमारे गांव में या हमारे एरिया में LKG UKG चलाना उनको। तो LKG UKG बच्चों का उम्र क्या है? उम्र है 3 साल से 6 साल तक LKG UKG। तो 3 साल से 6 साल तक हमारे गरीब लोगों का या गांव का या हमारे एरिया का बच्चे कहाँ आते हैं? क्या टाटा बिरला के इंस्टीट्यूशन को आते हैं, जी को आते हैं? नहीं है, हमारे आंगनवाड़ी को आते हैं। हमारे आंगनवाड़ी महिला पिछले 5-6 साल से जो KKRDB विशेष अनुदान दिया है उसके मुताबिक बहुत सारी ट्रेनिंग उनको दिए है अलग अलग हिस्से में, वो ट्रेनिंग लिए इतना अच्छा आंगनवाड़ी चला रहे हमारे बच्चों का कि आज जो सर्कुलर निकाले है, आज जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का उनका जो दृष्टिकोण है, हमारे लोगों हमारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहे हैं, हमें उनको अच्छा पढ़ाना है, स्पेशली उनको इंग्लिश और मैथमेटिक्स पढ़ाना है, ये उनके सही है, ये दृष्टिकोण का हम कभी नकारते नहीं, हम नकारते कि वो सही है, मगर वो इम्प्लीमेंट करने का जो मार्ग है ना वो उनका गलत है। वो इस मार्ग चूज़ किया है कि न्यू जो PU पास है जो 35-32% मिनिमम लिए है उनको अपॉइंट कर लेके अलग जो पूर्व प्राथमिक स्टूडेंट्स को स्कूल में LKG UKG चलाने का तय करे है। इसमें है देखो मेन क्रक, ये समझना हमारे MLAs, हमारे मिनिस्टर्स, हमारे CM और हमारे लक्ष्मी हेबाळकर मैडम जी, ये समझना बच्चे एक ही है, प्रोग्राम दो है। एक प्रोग्राम है आंगनवाड़ी का ICDS पिछले 49 साल से चला रहे हैं, सक्सेसिवली चला रहे बिकॉज ऑफ आंगनवाड़ी टीचर्स, इनके जो अपौष्टिकता है वो कम हो रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, सीख रहे, अच्छा हो रहे हैं, मगर इसका कॉपी कर रहे एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले, वो करते समय एक ही टारगेट करें 3 साल से 6 साल, बच्चे इधर जाना का उधर जाना। मैडम जिस तरह से कर्नाटक में पहले कल्याण कर्नाटक से स्कूलों को यहाँ पर जो LKG UKG स्टार्ट किया गया है 1008 स्कूल में यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, तो जिस तरह से अभी देखिए आप गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में लगभग कई सारे आंगनवाड़ी स्कूल्स हैं, लेकिन अगर आप LKG UKG के देखो तो कुछ चंद स्कूलों में वो स्टार्ट हो रहा है, बाकी के स्कूल तो अभी आंगनवाड़ी चलेंगे ना? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है, गवर्नमेंट इस तरह ये बात को इनकार करिए कि आंगनवाड़ी हम बंद करेंगे, आंगनवाड़ी भी चलेंगे गवर्नमेंट स्कूल में, LKG UKG भी चलेगा। इसमें ही मेरा प्रश्न है, हमारा प्रश्न है आंगनवाड़ी भी कैसे चलाते एक ही समय और LKG UKG भी अलग अलग कैसे चलाते, बताओ? बच्चे तो एक ही है,
वही बच्चे हैं, वही बच्चे, एक आंगनवाड़ी में 40 बच्चे हैं, 30 बच्चे उधर गए, 10 बजे बच्चे इधर रहे, तो आंगनवाड़ी ऑटोमेटिक क्या होता, ICDS के कानून के नियम के हिसाब से डिग्रेड हो जाता, अपने आप वो आंगनवाड़ी हेल्पर और टीचर्स का पोस्ट चले जाता, ये समझ लेना। और दूसरा बात ये है कि जब ये 30 बच्चे उधर जाते, सिर्फ 10 बच्चे इधर रहते, वो 30 बच्चों को वो भी पढ़ाते और इधर नहीं आते, तो आंगनवाड़ी रहता कहाँ, आंगनवाड़ी नहीं रहता। बेटा का शौहर के बजे दामाद बोलना जैसा होता है ना, बेटी के शौहर के बजे दामाद, तो ये है ना, इसमें गलत है अंदाज उनका। हम इसलिए कहते हैं, देखो 3 साल से 6 साल बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए कल्चरल एक्टिविटीज़, उनको समझने का दिमाग के जो हम ब्रेन बोलते हैं ना, ब्रेन डेवलपमेंट होने का समय रहता, वो ये हमारे लोगों को एक्सपीरियंस है। और डिग्री PU SLC और PG हमारे आंगनवाड़ी महिला है, उनको सेलेक्शन करो, उनको ट्रेनिंग दे दो, उनसे चलाओ, ये प्रॉब्लम ही खत्म। क्यों एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले जिद पकड़े? से आप देख सकते हैं इस बार के जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में वे बार बार ये कह रहे थे कि आंगनवाड़ी, अगर वो लोग सत्ता में आते हैं तो आंगनवाड़ी टीचर्स की सैलरी बढ़ाने की वो लोग बात कर रहे हैं, तो एक तरह वो सैलरी बढ़ाने की जब बात कर रहे हैं तो वो किस तरह से आंगनवाड़ी खत्म करेंगे? इसीलिए हम कह रहे हैं कांग्रेस भी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कांग्रेस भी झूठ बोलते हैं, कांग्रेस के बात में भी हमें पूरा विश्वास नहीं है। इसीलिए हमने एक कहते हैं कि आंगनवाड़ी महिलाओं का सैलरी नहीं दे रहे वो लोग, रेमुनरेशन दे रहे। हम कहते हैं हमको सैलरी करो, हमको PF करो, हमको पेंशन करो, हमको गवर्नमेंट सर्वेंट बोल के करो। अभी कंडीशन क्या कर रहे हैं, आप तो गवर्नमेंट की इसमें काम करते हैं, इलेक्शन मत लड़ाओ, पॉलिटिक्स में मत आओ, ऐसा बोलते हैं, वैसा नहीं है। ये तो रेमुनरेशन लेकर गौरव से काम करने वाले लोग हैं, इंडिपेंडेंट है। अगर इनके ऊपर आपका सब थोपना है तो पहला इनको परमानेंट करो, सैलरी दे दो, आंगनवाड़ी स्ट्रेंथन करो, पूरा आंगनवाड़ी गवर्नमेंट हैंडओवर करो, एजुकेशन डिपार्टमेंट के थ्रू कर लो ना। हम क्या नहीं बोल रहे, हम सिर्फ महिला मक्कल कल्याण इलाके में रहने का हमारे कोई इरादा नहीं है, हम तो पूरा बच्चे हमारे हैं, वो बच्चे बॉय हो या गर्ल, वो दोनों हमारे ही है, बच्चा हो बच्चे हमारे हैं। इसलिए एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ले लो, वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट ले लो, कुछ भी करो, मगर इतना ही हमारे डिमांड है, आंगनवाड़ी स्ट्रेंथन करो, आंगनवाड़ी लोगों को ट्रेनिंग दे दो, LKG UKG हम पढ़ाते हैं, हमको ये दे दो बस। अस्सलाम वालेकुम, मैं गुलबर्ग नगर अध्यक्ष रफ़त सुल्ताना बात कर रही हूँ। देखिए हम लोग 3 डेज जाके 4 डेज हो गया आज को, हमारे पास हमारे आंगनवाड़ी के टीचर ज़हीरुन्निसा बेगम, उनको इतनी चक्कर आ गई, 3-4 दिन से लगातार यहाँ आ रहे थे और आने की वजह से उन्होंने हैबत भी खा ली है, न्यू टीचर है, इतने दिनों से हम इतनी मेहनत करके आए हैं, ये हमारा मेहनत बंद होता है क्या, नहीं होता, हम क्या करना क्या नहीं करना, बच्चे छोटे छोटे हैं, मेरा हस्बैंड डेली वेजर्स में भी काम करते हैं, सो है उनके, उनको बहुत तकलीफ़ हो गई, ठहरे हुए थे उनको हम लोग बिठाए, बिठाने के बाद में भी उन्हों बेहोश हो गए, इतनी बात भी नहीं आ रही थी, जबान भी पलट गई थी, उतनी धूप लग गई। बोलने का मतलब ये है मेरे वर्कर्स डेली आ रहे हैं, डेली बैठ रहे हैं, किसी को चक्कर आ रही, किसी को बुखार आ रही, किसी को कुछ हो रहा, BP है हो रहा, मगर हम लोगों की इतनी मेहनत कब रंग लाएगी बोल के हम सब जने डेली आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं। खराब होने की क्या वजह, क्या डर क्या है? डर ये है हमारे कहने LKG UKG दूसरों को दे रहे हैं, हमारे आंगनवाड़ी का वर्क छीन ले रहे हैं, हमारे कहीं साला 30-35 साल के टीचर्स हैं पुराने, फर्ज करके मैं खुद भी हूँ, तो हमारी मेहनत छीन के दूसरों को देते बोले तो कैसी बात है। हमारे पास भी PUC फर्स्ट ईयर वाले हैं, सेकेंड ईयर वाले हैं, डिग्री होल्डर्स हैं, हमारे वर्कर्स को ट्रेनिंग दीजिए, हमसे काम लीजिए, हम लोग आपके काम करने के लिए रजामंदी है, ना तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, 5 साल से हमको 2018 से लेके अब तक 5 पैसा नहीं बढ़ाए, गवर्नमेंट सर्कल जो भी आता आंधे उनसे हमको मतलब नहीं है, वोटिंग के टाइम पे खाली आइए डालिए हमको वोट दो बोल के बोलते। और एक चीज़ ये सवाल है आपसे, आप कितने साल से आपको यहाँ पे सर्विस देते आ रहे हैं, आप यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के अलावा और क्या क्या काम आपसे लेते हैं? हमारे कहने बच्चों को पढ़ाने के अलावा भी BLO लेते हैं हमारे से काम लेने का, और बोलते हैं सर इम्यूनाइजेशन लेते हैं, सर्वे लेते हैं, आई कैंप रहा तो हमको बुलाते हैं, फलेरिया के गोलियां देने का रहे तो आंगनवाड़ी टीचर्स आना, पोलियो रहे तो आंगनवाड़ी टीचर्स आना, A1 काम जो भी है XYZ जनरल काम पूरे आंगनवाड़ी टीचर्स करते, इलेक्शन में भी पूरे काम हम लोग करते, पूरा करने के बाद BLO करने के बावजूद भी डबल ट्रिपल फिरा के काम लेते हमारे से, इतने सारे काम हम करते फिर आंगनवाड़ी वर्कर से कुछ नहीं होता बोल डालते, इसकी वजह क्या है वो सरकार की समझ में आ रही नहीं हम आपको। अब तक तो बहुत सारी मेहनत कर चुके हमारे टीचर्स ऑलरेडी,
और अभी भी कर रहे हैं। अभी भी हमारे कुछ सरकार से यही रिक्वेस्ट है, हमारे आंगनवाड़ी वालों का काम छीन के दूसरे डिपार्टमेंट वालों को नहीं देना। एजुकेशन डिपार्टमेंट्स वाले ये जो काम करे सरासर अन्याय काम करे, बेहूदे काम आ करें। हाँ, हमारे टीचर को तो नौकरी चले जाएंगी, आके 2 साल ही हुआ बोल के हैबत खा के गश में आ गए, देखिए चक्कर आके गिर गए। अभी थोड़े से संभली, पूरी नहीं संभली हुई है। डेली मैं जा रहा हूँ, सुबह 8 बजे जा रहा हूँ, अंदर नहीं छोड़ रही, फिर 10-10:30 बजे जा रहा हूँ, उनकी पूरी पूछ लेके कर लेके आ रहा हूँ। ICG कर रहा है, उनको क्या ट्रीटमेंट देना कर दिए, हालात खराब बता रहे हैं। इलाज कंडीशन अभी भी उत्ते पे छे, पूरी तो नहीं संभली है। इलाज हमारे तरफ से भी हो रहा थोड़ा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी हम भी रिक्वेस्ट करें, मगर उन लोग सुनने तैयार नहीं है। हमारे माँ बहने जो है ना कलेक्शन करके दिए पैसे, हम लोग 13,000 चिल्लर दिए हैं इलाज के लिए, पूरे आप महिलाएं मिलके उनका इलाज, महिला मिलके पूरे टीचर्स आंगनवाड़ी हेल्पर एंड टीचर्स मिलके दिए हैं उनको, और भी और उनके शौहर जो है ना डेली वेजेस वर्कर है, उन्होंने खुद पेशेंट के साथ रहते, तो कहाँ से है उसको इलाज को पैसा आएगा भैया, बहुत तकलीफ में है वो टीचर। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, कुछ भी है डिसाइड करे तो एक अच्छा सा डिसाइड करके हमारे टीचर्स का वर्क मत लीजिए हमारे हाथ से। LKG VKG स्टार्ट करे सो है, हमारे को नहीं देते, दूसरे को BA का पढ़े सोलह को दे तुम बोल के बोल रहे। हमारे पास भी PhD करे सोले है, BA पढ़े सोले है, PUC सेकेंड ईयर पढ़े सोले है, तो हम भी ABCD भी पढ़ा सकते, कुछ भी कर सकते। आंगनवाड़ी टीचरों को इतनी तकलीफ रहे तो भी जितना भी रहें, अधिकारी उनको सपोर्ट नहीं दे रहे, इसके लिए अब हमारे स्ट्राइक कर रहे हैं। अब ये LKG VKG हमारे को देना, हमारे आंगनवाड़ी टीचरों को सपोर्ट देना बोल के मैं आपसे पूछ। ये स्ट्राइक 3 तारीख से चल रही है और कंपलसरी मैं भी इस स्ट्राइक को अटेंड कर रही हूँ। LKG UKG स्कूलों में शिफ्ट करना है बोल के, तो इसको रोका जाए, क्योंकि ये आंगनवाड़ी में भी हम ये सब कर सकते हैं, LKG UKG क्या हम नहीं पढ़ा सकते? हम भी इस काबिल हैं, हम भी इस बच्चे को एजुकेशन, ज़्यादा एजुकेशन का प्रेशर नहीं डालना है। फ्री स्कूल ही हमारे आंगनवाड़ी में हम अच्छे से अच्छा पढ़ा रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, फ्री गेम खेलना, पढ़ाना, ABCD, ये क्या हम लोगों को नहीं आता? हम लोग इसको रोकना चाह रहे हैं और गवर्नमेंट अपना ऑर्डर वापस ले, ताकि हम लोग आंगनवाड़ी में फ्री स्कूल से बच्चों को अच्छे से अच्छा सिखा सकें और LKG UKG आंगनवाड़ी में ही रखा जाए, ना कि स्कूलों में शिफ्ट किया जाए। कल्याण कर्नाटक अभिवृद्धि मंडल अध्यक्ष मन मुंदु होराट माड़ उद्देश्य अंदरे इडी गुलबर्गा जिले ली 3 कड़े होराट नडेदु, ಒಂದು ಶರಣ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆ ಅವರು, ಮತ್ತೊಂದು ಅಜಯ್ KKIDB ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮನೆ ಮುಂದೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಹೋರಾಟ ಅಂದರೆ, May 13 ತರಾತುರಿಯಾಗಿ LKG UKG ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಾವೊಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ಎತ್ತಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಏನಂತ ಮಾತು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವಾಗ ಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ತರಾತುರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಜೂನ್ 3 ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದೆವು KKIDB ಅದರ ಮಾಡಿದಾಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಯುಕ್ತರು ಅವತ್ತಿಂದಿನ 11:00 ಬಂದರು, ಇದರಿಂದ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಕೂಡ ಅಂಗನವಾಡಿದಾಗ ಓದೀನಿ, ಮೈಸೂರದಾಗ ಇದ್ದೀನಿ, ಶ್ಯಾಮ್ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ರಾತ್ರಿ 10:45 ಬಂದು ಇಲ್ಲ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ಥಗಿತ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಅಮರಿಸಿದ್ರು. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಏನಂದರೆ, ಮರುದಿನ ಪದವೀಧರ ಚುನಾವಣೆ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ರಿಸಲ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಈ ರಿಸಲ್ಟಿನದ್ರೆ ಪದವೀಧರ ಚುನಾವಣೆ ದಿವಸ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಪಮಾನ ಆಗ್ತದಂತ ಸರ್ಕಾರ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಯಾಮರ್ಸಿ ಎಬಸಿದ್ರು. ಆದರೆ 11 ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಮತ್ತೆ ಪುನಾರ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರು. LKG UKG ಮತ್ತು ನಾವು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವನಂತ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತು. ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, KKIDB ಬಜೆಟ್ ಶಾಶ್ವತ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲದು ICDS ಬಜೆಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಇಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, KKIDB ಬಜೆಟ್ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲದು ತೊಗೊಂಡು ಅಕಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಸಂತೆಯವ್ರಿಗೆ ತಗೋ ಕಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸನೂ ಕಳಿತೀರಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಆಸೆ ಹಚ್ತೀರಿ, ಯಾಮರ್ಸೋಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಟೀಚರ್ ಕಡೆಯಿಂದ, ಅಂಗನವಾಡಿ ನೌಕರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅದ ಮಗುವಿನ ಲಾಲನೆ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮಗುವಿನ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡೋದು
ಮಗುವಿನ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಟೀಚರ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ 60% 85% ಬ್ರೇನ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ 3-5 ವರ್ಷದ ತನಕ, 40% ದೇಹದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಕೇವಲ ಅದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಟೀಚರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎ ಫಾರ್ ಆ್ಯಪಲ್, ಬಿ ಫಾರ್ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಆಟದ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ಅವರಿಗೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಗು ಊಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮಗು ಅಂದರೆ ಕಕ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದೇನು, ಮಗುವಿನ ಮೂಗು ಅಂದರೆ ಸ್ವಚ್ಛದಲ್ಲಿ ಮುಖ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಮಗುವಿಗೆ ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಮಗುವಿನ ಎರಡನೇ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಅಂಗನವಾಡಿ ನೌಕರರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿ ಎ ಪಾಸ್ ಆದವರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಂದವರು ಅವ್ರು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಮಾತದ. ಮತ್ತು ಬೇರೆ 6 ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಬ್ರೇನಿಗೆ ವಜ್ಜಾಗ್ತದೆ. ನಂದೇ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದು 25 ಕೆಜಿ ನಾವು ಎತ್ತಬಹುದು, 50 ಕೆಜಿ ತಂದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊರಸರ. This video presented by Peace Islamic International School Branch, Hagraga Road and Misbah Nagar, Gulbarga. Students getting education for both the worlds. Best academic English education. Diploma in Arabic. 2024 admission started. Contact and visit school for more details.